छात्रावास बंद कर क्या आप लोगों ने, वो ये जो जितनी अफसर कॉलोनी है ना कर्मचारी वो एक कॉलोनी है, इनको भी आप इनको भी ताले दबाएंगे। अगर यहाँ पत्रकार बंधु खड़े आदायु भी खड़ा, अगर आपको छात्रों से इतना डर लग रहा है, पहली बात तो यहाँ भाई है छात्रावास किस लिए बनाए गए थे, अब से 100-200 साल पहले जो बने हैं क्या वे लोग मूर्ख थोड़ा ही थे, उन्हें में इस देश के नीति निर्धारण थे निर्धारक थे। और जब आप लोगों को छात्रों से इतना डर लग रहा, ये जो अफसर कॉलोनी है ये धरे बाप की क्या? 100% भाई, देखो मैं भी एक शादी में आया हूँ और मैं भी आपके बीच में बैठूंगा, ताड़े तोड़ेंगे ताड़े ताड़े टूटेंगे ताड़े ताड़े टूट कर छात्रावास साफ होंगे। और भाई झाड़ू बाड़ू खरीद कर जो उसमें जो इन्होंने बिल्डिंग खराब कर दी, और मुझे तो यह आभास है मेरी बात तो किसी से हुई नहीं। देखो कोई भी छात्रावास हो वहाँ की जो कमेटी हो उनका तरह धो लो, और इन्हें पेंसिलिन का एक इंजेक्शन हो से ठीक हो जाए आदमी, वो पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाने की जरूरत है। कमेटी भी सुन ले और यहाँ के अफसर भी सुन ले, अगर छात्रावास जितने दिन बंद रहेंगे अफसरों की जो कॉलोनी है अपने सामान ठहर अपने बच्चों निकाल दो उनमें भी ताले लगेंगे। हम आपको ये चेतावनी दे रहे हैं आगे प्रशासन को कान खोल कर सुन ले, मुकदमे पांच हफ्ते हमारे में लग गया था, हम मुकदमे करवानी भाई स्टूडेंट तो रही पीछे धरा भविष्य का सवाल है। मांगेराम त्यागी मुकदमे लगाना बैठे बारह ताड़ा मैं ही तोड़ूंगा मेरे में लगाई लगे अगर जो है छात्रावास नहीं खोलने तुम्हें समय दे देंगे भाई, समय कम जो है ना बता दिया समय की घोषणा कर देंगे, और सबसे पहले मांगेराम त्यागी आगे बड़ा पड़ेगा हम पूछेंगे। अगर अपनी माँ का दूध पिया तो आगे हम रोक लियो, क्या तरीका धराया, यानी के यहाँ के जो प्रशासन है ये अफसर कॉलोनी में रहेंगे, बढ़िया बढ़िया कोठियों में रहेंगे, अब हमारे जो बच्चे हैं जो गरीब घरानों से आ रहे हैं यहाँ पढ़ने का अपना काम कर रहे हैं, मैं सड़कों में फिरेंगे इनके बाप की है जगह हम थोड़े, तो मेरा निवेदन है बहुत जल्दी इसमें घोषणा हो जाएगी, ताले तोड़ेंगे प्रशासन सुन लो भाई, आधा युवा रिपोर्ट दे दियो अपनी, मुकदमा किसी बच्चे पर न लगावा, मांगेराम त्यागी जिम्मेदार है, हम ताला तोड़ कर जाएंगे और बच्चों को उसमें बैठा कर जाएंगे। हड़ताल पे ऐसा काम करवा के जाइयो कि चीज की गैल भी समस्या हो जाए। भाई मेरी बात सुन ले, यो हॉस्टल इससे पहले पहले खुद ना मर का जम्मा भर जाऊंगी, मैं तुम्हें बता रहा बेटे आज तो मैं आराम जूस पिया के मैं जाऊंगा, भूख हड़ताल भरी चंद्रशेखर भगत सिंह जो लड़े थे दूध पी पी कर लड़े थे, भूख हड़ताल बना बैठो इनकी स्टेज करेंगे, दूध पियो जूस पियो और तड़ा हम तोड़ेंगे। आप बेफिक्र हो, ये इतनी ढीठ सरकार है, मैं आपको बता रहा है इतनी ढीठ सरकार है, दो महीने बैठ कर मैं चलेगा यहाँ से, पांच मुकदमे लगाए न्यायालय तो वो मिला इनके, अब जा फिर रहे खतौली का चुनाव है, अब पिताजी बात कर लो, योगी जी बात करो, फलानी जी बात करो, बता हमें जरूरत नहीं है, हम तो यहाँ भी हम दिखाओगे तुम्हें, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ढीठ है, आप इनकी तरफ से जान दे दियो, भूख हड़ताल बैठ जो है सुनने वाले नहीं, सठे साठम समाज रे जैसे कि साहब कैसा व्यवहार करो, ताले तोड़ने में बैठो, इनकी माँ में हिम्मत होगी तो काट कर दिखा दियो। बहुत बढ़िया।